हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी सरकार को जीत मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। सबसे पहले राजस्थान के बारे में बताते हैं कि राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली हैं। अन्य पार्टी और निर्दलियों को कुल 15 सीटें मिली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी हार मान ली है और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राजस्थान में 193 से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। कांग्रेस की हार की वजह पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिले थे। अब मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी को 163 पर जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी को केवल 66 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी हार मान ली है और उन्होंने बोला कि हमसे कहां पर चूक हुई है, इस पर हम आराम से बैठकर विश्लेषण करेंगे। और उन्होंने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। एमपी में बीजेपी को महिला वोटर्स का साथ मिला, इसमें लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। बीजेपी पार्टी ने एमपी में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं रखा। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी एमपी में पिछड़ गई। अब छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा सीट हैं उसमें से बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस पार्टी को केवल 35 सीटें मिली। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, जनता ने कांग्रेस और भूपेश बघेल को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री पद के लिए रमन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगे। बीजेपी ने पीएससी घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी है वो छत्तीसगढ़ में हार गई। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में जो विधानसभा सीटें हैं 119, इसमें से कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली और भारत राष्ट्रीय समिति को 39 सीटें मिली और बीजेपी को 8 सीटें मिली। AIMIM को 7 और 1 सीट CPI के खाते में गई। 3 राज्यों में जो बीजेपी की चुनावी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है और मोदी ने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी गठबंधन है INDIA इंडिया उस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, ये जीत कांग्रेस के घमंडी गठबंधन के लिए सबक है। कुछ परिवारवादियों के साथ आ जाने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। तो ये थी खबर कि 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी जीती है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।